सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिन की स्टार्टिंग हुई थी मेड की कॉल के साथ कि आज वो नहीं आने वाली हैं, और इसी के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था सारा घर की बेसिक डस्टिंग, सफाई वगैरह। और बड़ा हैक्टिक हो जाता है जब मेड नहीं आती हैं। उसके बाद मेरे को बनाना था सबके लिए ब्रेकफास्ट भी, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए थे दही के सैंडविच, जो कि अभी रिसेंटली ही बनाने स्टार्ट किए हैं मैंने। यूट्यूब पे मैंने रेसिपी देखी थी और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कुछ फ्राइड नहीं होता। सो बहुत ही ईजी है, आप दही में सारी वेजीज डाल लीजिए जो भी आप खाते हैं। और मैंने इसमें बहुत सारा पेरी पेरी मसाला डाला था क्योंकि बहुत ही टेस्ट आ जाता है पेरी पेरी मसाला डालने के बाद। और इसके बाद सिंपली इसको ब्रेड पे आप स्प्रेड करिए और इसको तवे पे सेक दीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। बस हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले से नमक वगैरह डाल के इसमें मत रखिएगा, क्योंकि वरना दही पानी छोड़ देती है और थोड़े से आपके जो सैंडविचेस हैं बहुत ही सॉगी हो जाएंगे। तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने, और मेरे घर में सबको हैबिट है मल्टीपल ऑप्शंस हों खाने के ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सैंडविचेस तो बनाए ही थे, साथ में मैंने बनाई थी मैगी भी। और एक ही मैगी बनाई थी जस्ट फॉर द टेस्ट, और मेरे हस्बैंड को मैगी बहुत पसंद है, और साथ में थी चाय। दालचीनी डाल के चाय कौन कौन पीता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, सैंडविचेस थे और इसके साथ थी मैगी। और इतना क्लाउडी वेदर हो रहा था, इतनी बारिश का मौसम, इतना सुहावना था मैं आपको बता नहीं सकती। और इसी बस मेरी मोपिंग बची थी और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, मेरे को था कि बस फटाफट सारा काम फिनिश करके मैं ब्रेकफास्ट करूं, क्योंकि डेली मैं ऑफ़िस जाते ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और ऑफ़िस में पहुँच जाती हूँ 9:30 बजे। बट आज मेरे को थोड़ा और टाइम लग गया था और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सबसे पहले मैंने शैतान को निलाया था, क्योंकि जब इस बनी को निलाने के बाद जब मैं नहाती हूँ तो मैं फिर से सारा गीली हो जाती हूँ, तो मुझे ताकि मैं फटाफट पहले इसको निला के इसको अच्छे से ड्रेसअप कर दूँ, तो बस मैंने फटाफट बनी को निलाया, अच्छे से उसको मॉइस्चराइज़र हेयर ऑयल लगा के। और इतना बच्चे को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वो कभी इधर भागते हैं इधर भागते हैं, स्टोरी सुनाओ, पोएम सुनाओ, राइम सुनाओ, तब जाके वो एक जगह टिकता है। और ये मैं नहाने के बाद मैं इतना फ्रेश फील कर रही थी, मुझे लग रहा था बस अब मैं फटाफट से कुछ खा लूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और मैंने ऑलमोस्ट ब्रंच ही किया था, क्योंकि मैंने खाए थे आलू के पराठे, और क्योंकि इतना लेट हो गया था मुझे खाने में तो मैंने सोचा अब मैं ब्रंच ही कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने बनी को भी खिलाया, और बनी को थोड़ी सी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी, वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, इस चीज़ को पकड़ता है इस चीज़ को तोड़ता है, तो मैं उसको अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। और उसका मूड होता है तो वो खा लेता है, नहीं होता है तो वो मुंह से बाहर निकाल देता है, तो बहुत सारी टेंट्रम्स। और फिर बज गए थे शाम के 4 और मेरा बड़ा मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने बनाई गरम गरम चाय अपने लिए और साहिल के लिए। और 4 बजे की चाय का जो मज़ा होता है वो तो अनबीटेबल है, और साथ में फेवरेट रस एंड नमकीन बिस्किट्स वगैरह लेके मैंने चाय को अच्छे से इंजॉय किया, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। और बनी को भी मुझे खिचड़ी खिलानी थी, तो बनी के लिए भी मैंने खिचड़ी और दही साथ साथ अपनी चाय के साथ साथ ले आई थी, और वो तो कोको मेलन के बिना बड़ा मुश्किल होता है बनी को कुछ भी खिलाना, क्योंकि वो आई डोंट नो अब सभी टोडलर्स इतने टेंट्रम्स करते हैं, बट इतनी ज़्यादा मुझे मशक्कत करनी पड़ती है उनको खाना खिलाते वक्त। बट एनीवेज कभी कभी तो वो सारा खिचड़ी बिना किसी कोको मेलन के बस गप गप करके खा जाता है, और कभी कभी वो इतने नखरे दिखाता है, तो वो तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, आप सबको पता ही होगी ये चीज़।
की फ़ोटोज़ हैं, हम गए थे एक बर्थडे पार्टी में और बनी कुछ ऐसा ड्रेसअप हुआ था, बनी की ये फर्स्ट बर्थडे पार्टी थी जो उसने अटेंड की थी, एंड ही वॉज़ लुकिंग वेरी गुड एंड ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। So much for watching this video. Don't forget to subscribe the channel. Bye bye, take care.